इतनी बड़ी गुफा है, वो गेट इधर ही है ना ये? हाँ वो गेट है। अच्छा, ये आपको बनी हुई मिली है बनी बाद में? नहीं, थोड़ा थोड़ा बहुत होता है। और चमत्कारी ऐसे है जैसे हम कहीं चल रहे हैं, अचानक कोई मिलता है, फिर अदर्श हो जाता है, उसको देख नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, वो कौन है, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं। भगवान तो अपने पास है, कहीं हेरने की जरूरत नहीं है, दिव्य दृष्टि नहीं है अपने पास, दिव्य दृष्टि हेरने की जरूरत है कि दिव्य दृष्टि कैसे मिलेगी। अच्छा, जब दिव्य दृष्टि मिल जाएगी तब प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। धर्म की यात्रा के माध्यम से आपको अभी सबको पता है उत्तराखंड में गंगोत्री की तरफ हूँ मैं। जी हाँ, तो यहाँ पर जंगल है बहुत सारा, जंगल में बहुत सारे संत रहते हैं नदी के किनारे। जैसे यहाँ से नदी चल रही है पास में, आप देख पा रहे हो, और इसके किनारे किनारे जो पहाड़ है, इस पहाड़ के ऊपर संत रहते हैं। और यहाँ पर एक संत रहते हैं जैसे आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा जूम करके, अभी नहीं दिखेगा, हम अंदर जाएंगे, घोर जंगल के अंदर है, तो उनसे सत्संग लेने की कोशिश करेंगे और उनकी कुटिया के भी दर्शन करूँगा, उनकी गुफा के दर्शन करूँगा। कुटिया क्या कहूँ, गुफा में रहते हैं, लेकिन वो कैमरे से सख्त मना करने वाले हैं, कैमरा मना करने वाले हैं। और मैं पहले बता देता हूँ, सत्संग कैमरे के सामने देंगे या नहीं देंगे वो मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ऑडियो अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं वो ज़रूर लूँगा। और ये इन चीज़ों से दूर है तो भी हम आपको विलक्षण संतों के दर्शन करवाने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड के गंगा के किनारे जो हिमालय में संत रहते हैं पहाड़ों पर, उनके दर्शन करवाने की कोशिश। अब उनके पास मैं जा रहा हूँ, आप भी हमारे साथ आ जाएंगे। जय गुरुदेव, हम तो ऐसे संतों के दर्शन किए हैं। राम जी ने नियमित मात्र करने वाले वो हरि है, हमें तो अहंकार ना आ जाए, भगवान माफ करना। अच्छा, ये बहुत इतनी बड़ी गुफा है, वो गेट इधर ही है ना ये? हाँ वो गेट है। अच्छा, ये आपको बनी हुई मिली है बनी बाद में? नहीं, ये थोड़ा थोड़ा बहुत होता है, बाकी का जिससे करना पड़ता है। अच्छा, कई पत्थर होते हैं इस जगह, ये उसी को थोड़ा साफ करके रहने जैसा थोड़ा। ये टेम्परेचर है क्या? कौन सा ये? इसमें पता चल जाता है ना? बिल्कुल। अच्छा, ये पारा लगा, टेम्परेचर है, इससे अंदाजा लगा लेते कितना तापमान है आज। हाँ, देखना
अच्छा माइनस पाँच तक जाता है क्या? अच्छा, और भोजन प्रसाद यहीं बनाते हैं? अच्छा, कोई महाराज ऐसी सेवा की कोई चीज़ की आवश्यकता हो तो बता देना ऐसा कोई। ठीक है, अपना नंबर दे देता हूँ मेरा। हाँ, अपना नंबर दे दीजिए, कभी ऐसा कुछ लगेगा तो फिर आपसे जरूर। वैसे आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है। जी गुरु जी। बस थोड़ा सा हमारा ये होता कि सोशल मीडिया से थोड़ा। हाँ कोई नहीं महाराज, बहुत सारे संत रहते हैं यहाँ पर, बस यहीं से देख ले। अरे कोई महाराज जी, जी नंबर लिख लीजिए मेरा, कन्हैया नाम है। ग्रस्त में फंसे थे, प्रभु की प्रेरणा ऐसी होती है, बिना हरि कृपा नहीं मिला नहीं संता। जब संतों का मुलाकात हुई तब ये मार्ग पे चले। अब चमत्कारी ऐसे है, जैसे अब हम कहीं चल रहे हैं, अचानक कोई मिलता है, फिर अदर्श हो जाता है, उसको देख नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, वो कौन है, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, वही तो है महाराज। जैसे आपने यहाँ पर देखा, बहुत सारे संत गुफाओं में रहते हैं, खंडों में रहते हैं, कैसा अनुभव रहा यहाँ का? यहाँ अनुभव बहुत बढ़िया, यहाँ गंगा माँ की, ये तो मुक्ति धाम बता नहीं, मुक्ति धाम है, यहाँ मुक्ति का धाम है ये। फिर ब्रह्म तो अपने पास है, ढूंढते नहीं हैं, ये मुक्ति के लिए मार्ग हेरते, कर्म करना, ये कर्म भूमि है। अच्छा, और भगवान तो अपने पास है, कहीं हेरने की जरूरत नहीं है, दिव्य दृष्टि नहीं है अपने पास, दिव्य दृष्टि हेरने की जरूरत है, कि दिव्य दृष्टि कैसे मिलेगी। अच्छा, जब दिव्य दृष्टि मिल जाएगी तब प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, जब तक दिव्य दृष्टि नहीं मिलती तब प्रभु के दर्शन नहीं। अच्छा, जैसे अर्जुन को मिली। चलो महाराज की गलती है तो मुझे माफ़ कर देना। साथियों, जैसे महाराज जी सत्संग लेने की कोशिश की, लेकिन जो महेंद्र महाराज जी थे वहाँ पर बहुत सारे ऐसे केंद्रों में संत रहते हैं यहाँ पर। धन्यवाद।